नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय की ओर आ रहे निर्वाचन विभाग के राजकीय वाहन में आज दोपहर चुपकोट बैंड के पास पहाड़ी से पत्थर आ गिरा, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन में सवार सहायक निर्वाचन अधिकारी व वाहन चालक बाल बाल बच गए। मिली जानकारी के अनुसार देहरादून से वापस पिथौरागढ़ लौट रहा निर्वाचन विभाग का राजकीय वाहन संख्या UK07GA03700 आज दोपहर लगभग 3:30 में चुपकोट बैंड से गुजर रहा था, तो अचानक ऊपर पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर आकर वाहन के अगले हिस्से बोनट में आ गिरा, जिससे बोनट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि पत्थर गाड़ी रहा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वाहन में सवार सहायक निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद शरीफ और वाहन चालक रविंद्रनाथ बाल बाल बच गए। वाहन का अगला हिस्सा बोनट क्षतिग्रस्त हुआ है। पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न हिस्सों में आज शुक्रवार को शाम तेज हवा के साथ बारिश होने से जहां गर्मी से राहत महसूस हुई है, वहीं जंगलों की आग भी बुझ गई। इससे वन विभाग ने भी राहत की सांस ली है, साथ ही वातावरण में फैली धुंध भी कम होने लगी। बीते दिनों से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। वन अग्नि की रोकथाम को लेकर वन कर्मी लगातार आग पर काबू पाने में जुटे हुए थे। आज शाम बारिश होने से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगी आग शांत हो गई और विभाग ने राहत की सांस ली है। आज दोपहर को जिला मुख्यालय के निकट सिलपाटा व एंचुली के निकट रावल गांव के जंगल में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर वन क्षेत्र अधिकारी दिनेश जोशी की अगुवाई में वन कर्मियों ने अविलंब क्षेत्र में पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग पर काबू पाने वाली टीम में वन दरोगा कैलाश सिंह, गणेश चिराल, मनोज ज्याला, धीराज तिवारी व दूसरी टीम में कैलाश ग्वासिकोटी, गिरीश जोशी, प्रमोद कुमार आदि शामिल थे। शुक्रवार शाम बारिश होने से जंगलों की आग बुझने से वन विभाग ने राहत की सांस ली है। राजकीय कर्मचारी लगभग हमारे पिथौरागढ़ रेंज के आग लगभग कंट्रोल में है और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं। इन्होंने आबादी वाले क्षेत्र में विशेष काम किया है और मुझे आशा है कि आगे भी ये अपने कर्तव्य को निभाते रहेंगे। रावल गाँव क्षेत्र से वन विभाग वालों का बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये प्रयास किया आपको बुझाने का। और यहाँ जिला पंचायत सभागार में आज सस्ता गल्ला विक्रेताओं की एक बैठक संगठन के अध्यक्ष मनोज पांडे की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का दुल्हन भाड़ा नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त की गई। इस दौरान विक्रेताओं ने इंटरनेट खर्च न मिलने तक ऑनलाइन वितरण न करने की बात भी बैठक में कही है। बैठक में कैलाश जोशी, पूरन सिंह, मनोज कापड़ी, ललित मेहर, कमल टमटा, पूरन सिंह सहित दर्जनों सस्ता गल्ला विक्रेता उपस्थित थे। आज हमारे यहाँ जिले की जो बैठक हुई उसमें ये मुद्दे रहे कि जब तक सरकार द्वारा हमारे पूर्व के 19 माह के बिलों का भुगतान नहीं किया जाता तो हम PMGKY का राशन का पूर्ण वितरण बंद करेंगे। जब शासन प्रशासन द्वारा हमारे पूरा पूर्व के बिलों का भुगतान किया जाएगा उसके बाद ही हम इसमें काम करेंगे। जनपद में जिन सड़कों और विद्यालयों का नाम शहीद सैनिकों के नाम से किया जाना है, संबंधित विभाग अविलंब कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यह निर्देश आज जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए CDO अनुराधा पाल ने संबंधितों को दिए। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने को भी कहा। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने पूर्व सैनिकों की पेंशन, CHD सुविधा बेहतर बनाने, ऑनलाइन टोकन व्यवस्था सहित अन्य समस्याओं के शीघ्र निस्तारण करने को संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में उपजिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह तोमर, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त वीरेंद्र भट्ट, सहायक अधिकारी बलवंत रावत सहित समिति के सदस्य व पूर्व सैनिक उपस्थित थे।
पिथौरागढ़ में आज यहां विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की महिला आयाम दुर्गा वाहिनी की बैठक संपन्न हो गई, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक का शुभारंभ क्षेत्रीय संयोजिका बिमला शुक्ला, प्रांत संयोजिका नीता कपूर, नीलम त्रिपाठी, प्रांत सह संयोजिका प्रिया सिंह, जिला संयोजिका रमा पांडे, सह संयोजिका ममता पांडे द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अन्याय व अधर्म के खिलाफ एकजुट होने तथा आगामी मई व जून माह में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण वर्ग को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर विभाग मंत्री कैलाश जोशी, प्रदेश सुरक्षा प्रमुख सोनम पांडे, जिला अध्यक्ष जगदीश पांडे, पवन नाथ, विनीत पाठक, महेश जोशी सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।